नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने ही वाला है। हिंदू धर्म में केवल भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के सारे कष्ट एकमात्र जल चढ़ाने से ही दूर कर देते हैं, और सावन में खास तौर पर ये अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। लोग इनको प्रसन्न करने के लिए भांग, धतूरा, बेलपत्र और फल फूल चढ़ाते हैं। महादेव को देवी देवताओं में अनोखा माना गया है और इनकी पूजा में भी अनोखी चीजें ही चढ़ाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फूल ऐसा भी है जिसे भोलेनाथ स्वीकारते नहीं हैं? जी हाँ, शिव पुराण में एक खास फूल जो भगवान शिव की पूजा में उपयोग करना वर्जित बताया गया है। अगर आप अनजाने में ये फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप भगवान भोलेनाथ को खुश होने के बजाय नाराज कर सकते हैं। वो फूल कोई और नहीं बल्कि केतकी का फूल है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इसके पीछे जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे कि ऐसी क्या वजह थी जो भगवान ने केतकी के फूल का त्याग किया। तो आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में विवाद हो गया कि दोनों में से कौन बड़ा है। विवाद का फैसला करने के लिए भगवान शिव को न्यायकर्ता बनाया गया। उसी समय भोलेनाथ ने एक अखंड ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट की और कहा, क्या आप दोनों देवों में से जो भी ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत बता देगा वही बड़ा कहलाएगा। ब्रह्मा जी ज्योतिर्लिंग को पकड़कर ज्योतिर्लिंग का आदि पता करने के लिए नीचे की ओर चल पड़े और विष्णु भगवान ज्योतिर्लिंग का अंत पता करने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। कुछ समय चलने के बाद भी ज्योतिर्लिंग का आदि व अंत का पता नहीं चला तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक केतकी का फूल भी उनके साथ नीचे आ रहा है। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसला कर झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया और भगवान शिव के पास पहुँच कर कहा कि मुझे ज्योतिर्लिंग जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहाँ का पता चल गया है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं जान पाया। ब्रह्मा जी ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए केतकी के फूल से भी गवाही दिलवाई। केतकी पुष्प ने भी ब्रह्मा जी की हाँ में हाँ मिला दी और विष्णु के पक्ष को असत्य बता दिया। लेकिन भगवान शिव ब्रह्मा जी के झूठ को जान गए। इस पर भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने केतकी के झूठ पर गुस्सा होकर उसे सदा के लिए त्याग दिया। केतकी फूल ने झूठ बोला था इसलिए भगवान शिव ने उसे अपनी पूजा से वर्जित कर दिया और उसी दिन से भगवान शंकर की पूजा में केतकी पुष्प को चढ़ाना मना हो गया था। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।